दोस्तों आज हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज दिया है और ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही एक पॉजिटिव कैंडल बनाया जिसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। यहाँ पे आपको देखेगा भी नहीं कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पे आया है, तो ये कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे हमको कहाँ पे बाय करनी चाहिए तो मैं आपको ये पूरे डिटेल में बताऊंगा आज के वीडियो में, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 24 फरवरी को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की देखने के पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से, और जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको कहा था कि जो एक्सपायरी है वो 17,500 और ऊपर 17,700 के बीच में होगा, तो एग्जैक्टली ये जो अपना प्रेडिक्शन था एकदम परफेक्ट यहाँ पे हो गया। आज जैसे कि निफ्टी 43 पॉइंट की यहाँ पे डाउन है, जैसे कल का बहुत बड़ा डाउन होने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुका है, और मैंने कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है कि एक्सपायरी में एक डोजी टाइप कैंडल बनाता है। ये परफेक्ट डोजी तो नहीं है लेकिन लुक लाइक डोजी जो है कि बैंक निफ्टी ने बनाया और बैंक निफ्टी ने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट यहाँ पे निफ्टी में भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने जो कैंडल बनाया और जो डाउन साइड है ओनली 43 पॉइंट्स, तो जैसे कि एक्सपायरी में मूवमेंट होता वैसे ही किया था, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो जो लास्ट सपोर्ट था ये जो एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी का 17,500 एक सपोर्ट एरिया है और जल्दी ही उसके नीचे क्लोज नहीं देगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहे 17,432 और सबसे जो इम्पोर्टेंस नीचे 17,332, तो ये जो लेवल है यहाँ पे जो है कि निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंस है। अभी निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, कभी 17,600 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे ये जो लेवल्स है, और 17,800 17,800 के ऊपर जाएगा तो और भी अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। सिर्फ निफ्टी जो है यहाँ पे 17,500 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है, बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव होता है तो निफ्टी को भी यहाँ से कवर कर सकता है। तो यहाँ पे जो कि हमने ऊपर वाले और नीचे वाले भी हमने निफ्टी के लेवल देखे, तो हम लोग जैसे कि इंट्राडे में भी देखेंगे कि कल कहाँ पे ट्रेडिंग करना है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि एक्सपायरी था और एक्सपायरी में हमारे जो कि मैंने लाइव क्लास लिया था, तो लाइव क्लास में यहाँ पे एक जैकपॉट कॉल भी बना था जो कि मैंने बहुत बार यूट्यूब पे भी डाला है जैकपॉट कॉल क्या होता है, और उसके ऊपर जो कि हमारे स्टूडेंट ने अच्छा प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट ग्रुप है देखिए कि स्टॉक गुरु एफएनओ पेड कोड जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप लाइन से देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे आज का एक्सपायरी जैकपॉट कॉल हुआ है उसके जो है कि यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो है कि दिए हैं, तो यहाँ पे एक्सपायरी जैकपॉट कॉल आज बहुत ही अच्छा चला और यहाँ पे जो है कि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे यहाँ के प्रॉफिट के जो है कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गए। तो एक्सपायरी जैकपॉट कॉल अपना जो है कि 3 बजे होता है जो ए लेवल पे जो है कि लगभग हाँ ए लेवल पे हुआ था ए कैंडल में, अभी वही लेवल पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था। हम लोग अगर निफ्टी को रीड कर रहे हैं तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्लैट सा जो है कि क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, तो मार्केट गिरते आ रहा था यहाँ पे होल्ड किया है, तो एक अच्छा होल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है, हमको कल बाइंग के लिए देखना है। तो बाइंग के लिए हम लोग यहाँ पे नजदीक का लेवल देखते हैं जो है कि ये जो लेवल्स है वो है 17,561 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, और सेलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग नियर लो ही देखते हैं जो कि रहेगा 17,489 के, अगर नीचे जाता तो हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। तो कल हम लोग बाइंग और सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होते हुए दिख रहा है तो दोनों भी ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो 17,432 यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, और गैप अप होता है यहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे 17,652 और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर कैंडल बना तो सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमको लेवल पे ध्यान देना है कि मार्केट ये जो गैप में खुलेगा ऐसे नहीं है, ऊपर भी खुले या नीचे भी खुले तो आपके पास सेटअप रेडी होना चाहिए, वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है वो देख के हमको ट्रेड लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी, तो दोस्तों देखेंगे बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है कि वो टेक्निकल इंडिकेटर सबको दिख रहे हैं और बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं एक कहूँ तो पहला ये जो है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे
बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना, जैसे मैंने आपको कल ही बताया कि शायद निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। दूसरा, अगर हम लोग डिमांड सप्लाई वाइज देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है ए रेंज में, तो मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से ड्रॉप हुआ, बेस लिया, ऊपर गया, तो ये लेवल पे फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन हुआ, दूसरा सपोर्ट एंड रिसेप्शन हुआ, और तीसरा हुआ कि ये कैंडल का शेप जो कि आए ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी से हमको कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे। तो डोजी कोई भी हो, ड्रैगन फ्लाई हो या नॉर्मल डोजी हो, तो यहाँ पे जैसे कि ऐसे कैंडल आता है तो उसके ऊपर जैसे ही जाता है, यानी कि उसके हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग होती है और बहुत ही अच्छा बाइंग हो सकता है। लेकिन अगर इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज देता है तो ये जो फॉर्मेशन बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये फेल होता है। तो कल अगर इसके नीचे, आज के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये ऑब्वियसली फेल होगा। लेकिन यहाँ पे हमको बाइंग के लिए देखना है, अगर 40,147 के ऊपर अगर ये जाता है तो नेक्स्ट लेवल 40,591 जो कि हमारा सपोर्ट था, यानी कि 40,600 का, तो वहां तक भी ये जा सकता है। तो कल यहाँ पे ध्यान देना, ये अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको देखना चाहिए। प्लस ये डिमांड जोन पे आ रहा है, तो यानी कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 39,480 ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे जाता तो ये नजदीक वाला नियर लो है, तो ये पैनिक देश आ सकता है और बैंक निफ्टी को और भी नीचे लेके जा सकता है 39,085 के ऊपर। तो मुझे आज का चार्ट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको बाइंग का ट्रेंड मिल सकता है और 40,600 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन आज का हाई ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड लेना है। इंट्राडे में देखते हैं तो देखिए, इंट्राडे में भी मार्केट का बहुत ही अच्छा जो कि एक साइडवेज ये बन गया है, यहाँ पे लेवल्स को भी बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देखो कि अपने लेवल्स कितने अच्छे वर्क करते हैं, यहाँ पे देखो ये लेवल्स यहाँ से कैसे ये हुआ था। तो हम लोग कल सेल कर सकते हैं, 39,898 के नीचे जाता है तो हम लोग सेल करेंगे अगर मार्केट ए रेंज में ओपन होता है, और ऊपर बाइंग के लिए 41,47 जो लेवल है यानी कि आज का हाई, देखिए कि ये लेवल पे कितनी बार मार्केट ने ये किया है, तो कल का बेस ट्रेड रहेगा ये रेंज में मार्केट ओपन हो जाए। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको वहां पे प्राइजेशन कैसे बनता है ये देखना चाहिए। दूसरा लेवल जो है कि यहाँ पे इंट्राडे में मैंने निकाला नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज का लो, तो ये भी लेवल हो सकता है 39,597, ये लेवल भी अगर मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर कैंडल, जैसे कि इसको कहते हो मैं बाइंग प्रेशर, ये जो बना था ऐसे कैंडल यहाँ पे बनता है तो आपको बाइंग के लिए भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी बहुत ही अच्छा सेटअप है। दोस्तों कल मैंने आपको एक सेलिंग के लिए लिया था HDFC बैंक, और HDFC बैंक का अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास अपने आ गया, और दूसरा दिया था रिलायंस इंडस्ट्री ज्यादा डाउन नहीं आ गया, लेकिन डाउन तो आ गया। कल के लिए हम लोग देखेंगे विप्रो जो इंट्राडे के लिए, तो विप्रो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, नजदीक वाला जो लोज है ये ब्रेक करके जा रहा है, तो यहाँ पे 393 के नीचे जाता तो हम लोग सेल करेंगे, 387 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि एक्सिस बैंक, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी का देखा वैसे एक्सिस बैंक तो देखिए कि ट्रेंड लाइन पे इसने एक फॉल सिग्नल दिया था। फॉल सिग्नल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया लेकिन दूसरा ग्रीन दिया है, और ये जो ग्रीन कैंडल दिया है इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। तो इसके हाई पे 848 के ऊपर अगर जाता है कल तो आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो, 859 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, जैसे आपने देखा कि आज हमारा एक्सपायरी जैकपॉट कॉल चला और हमारे जो कि ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग किया, तो आपको भी ऐसे सीखना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।